वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड मी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है इंडियन फेस्टिव मेकअप लुक ट्यूटोरियल। ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली फेस्टिवल में ये वाला लुक ट्राई जरूर कर सकते हो। आई एम श्योर आप भी बहुत अच्छे लगोगे। इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है उसे देखने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो गाइस लेट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है और लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लिया है लिप बाम लगा के। तो अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ फेस प्राइमर। जो फेस प्राइमर मैं अप्लाई करने वाली हूँ वो है मेवलिन न्यूयॉर्क का मास्टर प्राइम। प्राइमर अप्लाई करने के बाद अभी मैं मूव करूंगी फाउंडेशन पे। तो आज जो फाउंडेशन मैं अप्लाई करने वाली हूँ वो है मेबिलिन सुपर स्टे 24 फुल कवरेज फाउंडेशन। और आज मैं फाउंडेशन के साथ दो और भी चीज को मिक्स करके उसके बाद अप्लाई करने वाली हूँ। एक हो गया आपका इनसाइट का इंस्टेंट ग्लो लिक्विड इल्यूमिनेटर और दूसरा एवॉन सिल्क गुडनेस सीसी क्रीम। इन तीनों को एक साथ मिक्स करूंगी उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ। अभी इसे फुल फेस में डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूंगी, उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे अच्छे से पूरे फेस में ब्लेंड कर लूंगी। फाउंडेशन अप्लाई करना हो चुका है, अभी मैं कंसीलर यूज करने वाली हूँ। तो कंसीलर के लिए आज मैं मेवली न्यूयॉर्क का फिट मी कंसीलर यूज करूंगी। सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से अपने फेस में ब्लेंड कर लूंगी। अभी जहां जहां मैंने कंसीलर यूज किया है लूज पाउडर के हेल्प से उसे सेट कर लूंगी। तो मैं जो आज लूज पाउडर यूज करने वाली हूँ वो है मेकअप रिवोल्यूशन का लग्जरी पाउडर। कंसीलर को लूज पाउडर के हेल्प से सेट कर लिया है। अभी मैं अपने आई मेकअप पे मूव करूंगी। मैंने अपने आईलिड पे कंसीलर लगा लिया है एज ए आई शेडो बेस। सबसे पहले तो मैं स्विस ब्यूटी 12 अल्ट्रा प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन वाला शेड एज माई ट्रांजिशन शेड में यूज करने वाली हूँ। अभी मैं NYX के प्रोफेशनल मेकअप अल्टीमेट आई शेडो पैलेट से ये वाला शेड यूज करने वाली हूँ अपने आईलिड पे। अभी सेम कलर को मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी। आईज पे काजल अप्लाई करूंगी। तो काजल के लिए मैं अप्लाई करने वाली हूँ प्लम का नेचर स्टूडियो काजल। दोनों कलर्स को मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से।
मैं अपने आईलिड पे थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करूंगी ताकि मेरा जो ये फेस्टिव मेकअप लुक है वो और भी एनहांस हो। तो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर सिंगल आई शेडो। अभी मैं अपने लैश को कर्ल करूंगी, उसके बाद मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारा के लिए मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का लैश सेंसेशनल मस्कारा। फॉल्सीज यूज करने वाली हूँ, तो फॉल्सीज के लिए मैं यूज करने वाली हूँ आज बिफोलेन का फॉल्सीज। तो मैंने फॉल्सीज अप्लाई कर लिया है, अभी मैं अपने लोअर लैश पे मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। अभी मैं अपने फेस को कॉन्चोर करूंगी, तो कॉन्चोर करने के लिए जो पैलेट मैं यूज करने वाली हूँ वो है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कंचोरिंग पैलेट। मेरा कंटोर करना हो चुका है, अभी मैं अप्लाई करूंगी ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ मेबेलिन फिट मी का ब्लश इन द शेड रोज। ब्लश भी अप्लाई करना हो चुका है, अभी मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर। मेकअप रिवॉल्यूशन का हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ। हाइलाइटर लगाना हो चुका है, अभी मैं मूव करूंगी लिपस्टिक पे। लिपस्टिक के लिए मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ एनवाई बे का मैट लिप क्रियॉन इन दी शेड 14। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे आज के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज किया है इस लुक को क्रिएट करने के लिए, उन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहते हैं तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ, मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।